आज हमारे पास आया है जैमो कंपनी का एक्टिव सबवूफर, जिसका एम्पलीफायर सेक्शन खराब हो चुका है और हमें अपने हिसाब से इसे रिपेयर या रिप्लेस करके सही करना है। इसमें कंट्रोल्स कुछ इस प्रकार से है, ये है इसका वॉल्यूम कंट्रोल और ये है इसका फ्रीक्वेंसी एडजस्ट कंट्रोल और ये है इसका फेज कंट्रोल। यहाँ पर लगा है इसका 8 इंचेस का लो फ्रीक्वेंसी ड्राइवर। तो अब हम इसका प्लेट एम्पलीफायर खोल लेते हैं। प्लेट एम्पलीफायर खोलने के बाद यहाँ पर है इसका फ्रंट एलईडी का कनेक्टर और ये है सबवूफर की वायर्स। ये जो एम्पलीफायर है दोस्तों, जिसमें पूरा सर्किट एंड ट्रांसफॉर्मर वगैरह एक ही प्लेट पर होते हैं, इसे हम प्लेट एम्पलीफायर बोलते हैं। हम भी दोस्तों फ्यूचर में अपने ऑफिशियल प्लेट एम्पलीफायर्स बनाएंगे। यहाँ पर इसमें स्पीकर लेवल इन का ऑप्शन है, जिसमें अगर आप स्टीरियो स्पीकर्स में जाने वाली आउटपुट को अगर इसमें लगाएंगे तब भी ये सबवूफर परफेक्टली वर्क करेगा। दोस्तों यहाँ पर इस प्लेट एम्पलीफायर का एम्पलीफायर सेक्शन काफ़ी ज़्यादा डैमेज्ड है, तो हमने यहाँ पर इसे रिपेयर करने के बजाय पूरा मॉड्यूल रिप्लेस करने का ऑप्शन चूज़ किया। लेकिन उसके लिए दोस्तों हमें सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि इसमें लगा हुआ ट्रांसफॉर्मर कितने वोल्ट का है। तो दोस्तों यहां पर जो ट्रांसफॉर्मर लगा है वो लगभग 28.028 वोल्ट का है। तो अब हमें कोई ऐसा सर्किट फिगर आउट करना है जो कि 28.028 वोल्ट पर चल सके, तो आइए अब इसका कोई ऑप्शन ढूंढते हैं। तो दोस्तों इस सबवूफर में रिप्लेस करने के लिए एम्पलीफायर के हमारे पास यहाँ पर तीन ऑप्शंस हैं। तो दोस्तों जो पहला ऑप्शन हमें मिला है वो मिला है LM3886IC का, सेकंड ऑप्शन मिला है TDS7294 और थर्ड ऑप्शन पावर ट्रांजिस्टर्स जो कि 2SC5200 एंड 2SA1943 पावर ट्रांजिस्टर्स हैं। तो अब देखते हैं दोस्तों कि हम इन तीनों में से कौन सा यूज़ कर सकते हैं, कौन सा मोस्ट वैलिड ऑप्शन रहेगा। तो दोस्तों सबसे पहले आती है LM3886। अब दोस्तों इसमें प्रॉब्लम ये है कि आप ये देखिए जो वर्किंग वोल्टेज है इस आईसी की, हालांकि देखो पावर अगर हम देखें पावर है 68 वाट कंटिन्यूस एवरेज पावर इनटू 4 ओम और ये सब ऑफर दोस्तों 4 ओम का ही है, तो 4 ओम में 68 वाट विच इज़ गुड इनफ, एकदम बढ़िया है, हम इजीली यूज़ कर सकते थे इस आईसी को। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम आ गई वोल्टेज की, क्योंकि यहाँ पर 28.028 लिखा है बट ये जो होता है दोस्तों ये होता है डीसी, ये एसी नहीं होता। लेकिन हमने अभी ये जाना कि हमारा जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है उस सबवूफर में वो लगा हुआ है 28.028 वोल्ट एसी का, तो हम ये नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि जब हम एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं तो जो वोल्टेज है वो बढ़ जाती है 1.414 टाइम्स, दोस्तों बढ़ जाती है वोल्टेज 28 टाइम्स 1.414 हो जाएगी, दैट इज़ 39.592। और अगर आप वोल्टेज ड्रॉप भी कैलकुलेट कर लेंगे 2-3 वोल्ट का तो अराउंड 37.5 वोल्ट तो बचेगी, तो 37.5 काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, तो ये आईसी दोस्तों नहीं चल पाएगी उस पर 4 ओम्स पे तो खासकर, तो हम ये नहीं यूज़ कर सकते। हालांकि दोस्तों ये आईसी बहुत अच्छी आउटपुट देती है बट वोल्टेज के कारण हम इसे नहीं यूज़ कर पाए, तो ये ऑप्शन हमारा हो गया कैंसिल। सेकंड ऑप्शन की दोस्तों बात करें तो वो है
TDA 7294। 7294 दोस्तों बहुत ही अच्छी आईसी है, बहुत ही क्लियर साउंड देती है, काफ़ी लोगों की ये फेवरेट आईसी भी है। अगर आपकी भी ये फेवरेट आईसी है तो कमेंट करिए नीचे कि हाँ ये आईसी आपको फेवरेट लगती है। तो जो ये आईसी है दोस्तों, ये पावर तो अच्छी देती है, 100 वॉट या 90 वॉट तो देखो ये देती देती है। और आप ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर वेरी हाई ऑपरेटिंग वोल्टेज, मतलब कि प्लस माइनस 40 वोल्ट पे भी ये आईसी चल सकती है। तो हमारा जो यहाँ पर आ रहा था दोस्तों, वो आ रहा था 37.5 वोल्ट, लेकिन यहाँ पर ये 40 वोल्ट तक चल सकती है, मतलब कि हम ये आईसी यूज़ कर सकते हैं इस बिल्ड के लिए। बट दोस्तों यहाँ पर बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है जिसके कारण हमने ये आईसी नहीं चूज़ करी, वो ये है कि ये जो क्लास ए बी आईसी है, हाईफाई एप्लीकेशंस के लिए काम करती है ये, इस ये जो आईसी है दोस्तों, ये हीट बहुत ज़्यादा करती है, इसकी हीटिंग बहुत ज़्यादा है। हमारे सबवूफर में जो प्लेट है वो जस्ट एक प्लेट ही लगी हुई है, कोई हीट सिंक नहीं है, वो एक थोड़ी थिक एल्युमिनियम की प्लेट लगी हुई है। तो इसकी जो हीट है, अगर हम लॉन्ग टर्म यूज़ करेंगे तो ये ख़राब जल्दी हो जाएगी। तो दैट इज़ दी ओनली रीज़न हम इसको नहीं लगा पाए। हम चाहते तो थे ये वाला एम्प लगाने का, बट हम नहीं लगा पाए। तो एंड में दोस्तों हमारे पास जो तीसरा ऑप्शन बचा, वो बचा 2SC5200-1943 ट्रांजिस्टर का पेयर। अब अगर दोस्तों हम ये एक पेयर का एम्पलीफायर लगा देंगे, एक पेयर यूज़ करके, तो 100 वॉट तक की पावर वो दे सकता है, हाई फिडेलिटी वो भी, एंड हीट के मामले में बहुत कम हीट करेगा। और जो वोल्टेज है, वर्किंग वोल्टेज, वो आप 230 वोल्ट्स यहाँ पर देख ही सकते हैं। हालांकि ये जो वोल्टेज है दोस्तों, ये शॉर्ट टर्म होती है, बट आप इतना कह सकते हैं कि 100 वोल्ट पे जो ये ट्रांजिस्टर्स है वो इजीली चल जाते हैं। तो हम ये वाला जो एम्प है ये यूज़ करेंगे इस बिल्ड के लिए। तो हम इस ट्रांजिस्टर को यूज़ करके एक छोटा सा एम्प बना करके लगा देते हैं इस बिल्ड में, और साथ में एक लो पास फिल्टर भी हमें चाहिए होगा, तो वो भी लगा लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमने एम्पलीफायर मॉड्यूल बनाकर लगा लिया है। ये है हमारा मॉडिफाइड प्लेट एम्पलीफायर। यहाँ पर इसमें हमने फ्यूज भी लगा दिया है। यहाँ पर है एम्पलीफायर बोर्ड जो कि है ट्रांजिस्टर बेस्ड। ये वाला सर्किट दोस्तों लो पास फिल्टर है। ये सर्किट सेलिंग के लिए भी अवेलेबल है। इसमें ये वाला कंट्रोल फ्रीक्वेंसी एडजस्ट का है और ये वाला कंट्रोल वॉल्यूम कंट्रोल है। यहाँ पर हमने इसका वॉल्यूम कंट्रोल लगाया है और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कंट्रोल लगा दिया है। बात करें इस सबवूफर के बॉक्स की, तो ये बॉक्स पॉटेड टाइप एनक्लोजर है और इसके अंदर दो साइड्स में एकुस्टिक फ्रॉम लगाई हुई है और बाकी दो साइड्स में नहीं है, क्योंकि ये मिनिमम डैम्पिंग टाइप एनक्लोजर है। तो अब फाइनली इसमें प्लेट एम्पलीफायर लगा कर फिट कर लेते हैं और इसे चलाकर देख लेते हैं।